इस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा यूपी पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत करता हूं। अपने स्लोगन के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। खाकी वर्दी हमारी मंजिल। उत्तर प्रदेश पुलिस जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में 27 जनवरी 2019 में शिफ्ट सेकंड में पूछे गए 38 क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ कवर करेंगे। यदि आप भी चाहते हैं जीके जीएस में 30+ स्कोर करना, तो जैसे मैं आपको ये क्लास कवर कराऊंगा, आपको ऐसे तैयारी करनी होगी जिससे कि आपका फास्ट रिविजन हो सके और कम समय में आप सभी सब्जेक्टों का रिविजन कर सके। ये मेरे पढ़ाने का तरीका है कि एक क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक आपको कैसे कवर कराता हूँ। क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास से आपको एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलने हैं निश्चित। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा असम का, क्या है जी? ऑप्शन नंबर सी, बिहू। नौटंकी कहाँ का है जी? यूपी का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है, ठीक है जी। गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। अब लोक नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोक नृत्य शास्त्र नृत्य से प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इसको कवर कर लीजिएगा कंप्लीट। बात करें उत्तर प्रदेश की, कौन कौन से उत्तर प्रदेश के? कजरी, छोरा, रासलीला, चरकुला। चरकुला अति महत्वपूर्ण है, जिसको मैं गोल करूंगा वो अति महत्वपूर्ण है। हरियाणा के कौन कौन से? खेड़ा, धमाल और मजीरा। उत्तराखंड के गढ़वाली, रासलीला, कुमाऊनी। गुजरात के गरबा और डांडिया एग्जाम में पूछा जाता है। पंजाब के गिद्दा और भांगड़ा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान का कठपुतली, पनिहार, सुईसिनी अति महत्वपूर्ण है। झूमर भी राजस्थान का ही है। महाराष्ट्र का कोली, तमाशा, नकटा, लावणी, लावणी और तमाशा बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। बिहार का विदेशिया, मध्य प्रदेश का कर्मासेला, उड़ीसा का उड़ीसी सवारी, गोवा का डकनी मांडी खोल जकोर और पश्चिम बंगाल का केतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इस स्लाइड में आपको कवर कराऊंगा 1 से 2 क्वेश्चन 100% प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जाएंगे। कॉन्फिडेंस नहीं बच्चों, आने आने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है? क्वेश्चन ने पूछा है लोकसभा की सीटें हैं मैक्सिमम 80, कुल 80 सीटें हैं। 80 के बाद नंबर 2 पर महाराष्ट्र आता है, 48 है जी नंबर 2 पर, किसमें? महाराष्ट्र में। अब नेक्स्ट स्लाइड में कवर करिएगा, देखो कितना बेहतरीन डिटेल है ये। यहाँ से लगभग 2 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब ये देखना है कि वो शिफ्ट किसकी होगी और आपकी शिफ्ट में कितने पूछे जाएंगे। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के नाम कब कब बदले और कितने समय बाद बदले, और उत्तर प्रदेश की राजधानी कितनी बार बदली, ये यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, प्रत्येक शिफ्ट में रिपीट होगा। यदि ये टॉपिक आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, यदि ये आपका कवर नहीं है टॉपिक, इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा जिससे कि 2 से 3 नंबर आपके एग्जाम में पक्के हो जाएं। देखिएगा, सबसे पहले उत्तर प्रदेश को जून 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था, उत्तर पश्चिमी प्रांत। फिर फरवरी 1877 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहलाया जाने लगा। 1937 में केवल संयुक्त प्रांत, और 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश के नाम से जाने जाने लगा। 4 बार नाम परिवर्तित हुए बच्चों। अब बात करें उत्तर प्रदेश की सर्वप्रथम राजधानी कौन सी थी, 1836 में आगरा थी, 1858 में इलाहाबाद बनाई गई, 1921 में लखनऊ को आंशिक रूप से राजधानी बनाया, 1935 में लखनऊ को पूर्णतः राजधानी बनाया। देखिएगा ध्यानपूर्वक, उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था बच्चों नाम से, 24 जनवरी 1950 को। राज्य का पूर्ण गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को हुआ। विभाजन कब हुआ, 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बना दिया। राजकीय भाषा, बार बार पहली तो पूछी जाती लेकिन उर्दू पूछी जाती, कब घोषित की गई थी? राजकीय भाषा 1947 से हिंदी प्रथम है, तथा दूसरी राजभाषा कौन सी बच्चों, 1989 से उर्दू सेकेंड है। राजकीय पशु क्या है, 12 सिंगा। राजकीय पक्षी सारसत्वा क्रोच। राजकीय वृक्ष अशोक। राजकीय पुष्प प्लासिया टेसु। 4 जनवरी 2011 से लागू हुआ था। राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्र चिन्ह एक वर्त में 2 मछली 1 तीर धनुष। यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत किया गया था। जैसे उसमें लोकसभा सीटें पूछी, विधानसभा सीटें भी पूछी जा सकती है। राज्य विधानमंडल कैसा है यूपी का बच्चों, द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक क्या होता है, जहाँ विधान परिषद तथा विधानसभा दोनों होती है। राज्य विधानसभा का गठन हुआ था जुलाई 1937 में। 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 431 थी, उत्तराखंड बनने के से पहले की बात है बच्चों ये, ठीक है जी। लेकिन अब वर्तमान में उत्तराखंड विभाजन होने के बाद 403 है। 403 में
403 एमएलए चुने जाते हैं, एमएलए जब मुख्यमंत्री के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव कहलाते हैं, विधायक 403 चुने जाते हैं, एक मनोनीत किया जाता है एंग्लो इंडियन राष्ट्र प्रधानमंत्री उसके राज्यपाल द्वारा, 404 टोटल होते हैं। ठीक है जी, अब बात करें सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा बच्चों, इलाहाबाद है 12 है, क्लियर है जी। सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले कौन कौन थे, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट में दो दो है। विधान राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, 86 है जी, जिसमें कि 84 एससी है और 2 एसटी है, 2017 की बात थी। विधान परिषद का गठन कब हुआ था, 1937 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पूछा है बच्चों, जो आपका मगध मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मगध मगध की राजधानी क्या थी बच्चों, मग मग घर, मग कहाँ मिलेगा बच्चों, घर में, घर बोले तो राजगृह, क्योंकि बच्चों देखो 16 महाजनपद का टॉपिक आपका अति महत्वपूर्ण है। 16 महाजनपद में कौन सा कहाँ स्थित था और कौन सी की राजधानी क्या थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। मैट्रिक के साथ आपको ये टॉपिक कवर कराया है, यदि आपने क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार देखिएगा जरूर। हमारे चैनल पर बच्चों सभी सब्जेक्टों की, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, संविधान, भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, सभी क्लास की शॉर्ट वीडियो अपलोड की गई है, एक बार प्लेलिस्ट चेक करना जरूर जाकर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसे क्या बोलते हैं बच्चों, आसियान बोलते हैं। क्लियर है जी, आसियान 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है। इसका मुख्यालय कहाँ है, आसियान का मुख्यालय पूछा जाता है इंडोनेशिया में है। कहाँ है जी, इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की राजधानी मतलब जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। आसियान की स्थापना कब हुई थी, 1967 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर पाँच, किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया को 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप हराया, कैरम विश्व कप जीता। क्वेश्चन नंबर पाँच का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, विश्व बैंक की उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत कौन से स्थान पर था। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, ये कैंसिल किया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, 2018 में भारत की रैंक 190 देशों की सूची में 77वीं थी। कौन सी थी, 77वीं। और इससे पिछले साल 2017 में 100 रैंक में से 23 अंक का सुधार करते हुए 2020 में 63वें नंबर पर आ गया, इसलिए क्वेश्चन आपका निरस्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर सेवन, ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय का खालिस्तान ब्लॉक नाम दिया, कौन सा दिया जी। क्वेश्चन नंबर सात का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सूडान ब्लॉक नाम दिया। क्वेश्चन नंबर आठ, टी ट्वेंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। क्वेश्चन नंबर आठ का आपका राइट आंसर होगा हरमनप्रीत कौर। क्वेश्चन नंबर नौ, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त या क्षतिग्रस्त बीमारू को हटाने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर नौ का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तिल्ली है जी। क्या जी, तिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दस, मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल है। क्वेश्चन नंबर दस का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा। क्वेश्चन नंबर 11, मोनोमर क्रेपोलेक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नायलोन 6। क्वेश्चन नंबर 12, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है जी, M1 L2 T-3। शक्ति क्या होती है बच्चों, कार्य बटे समय होती है। कार्य का मात्रा क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बटे समय का क्या होता है, समय का समय है ही। तो यहाँ से कैसे निकल कर आएगा बच्चों, ये आपका ML T-2 इंटू एल,
अपॉन टी एम एल टू टी माइनस थ्री, एक टी नीचे ऊपर जाकर एक बढ़ जाएगा। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 13, सी ए एस ओ फोर टू एच टू ओ किसका रासायनिक सूत्र है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जिप्सम का है जी। सी एस ओ फोर टू एच टू जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। जिप्सम एक तहदार खनिज होता है जिसे क्या बोलते हैं बच्चों? सेलेनाइट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मदन मोहन वाले प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय खालिस्तान में स्थित है, कहाँ स्थित है बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर में। स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मछली। क्वेश्चन नंबर 17, खालिस्तान के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, कौन से वे ऐसे बैंक थे उसका नाम आपको बताना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है आपका या स्वर्ण भारत योजना, इनमें से देखना कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताना है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत या आपका स्वर्ण भारत योजना के तहत या आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत या फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है अटल पेंशन योजना के तहत। प्रमुख योजनाओं से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं लास्ट ईयर, इसलिए प्रमुख योजनाओं को भी कवर करना बच्चों जरूरी है, क्योंकि एक का नंबर बहुत ज़्यादा कीमती है। एक नंबर 1 लाख स्टूडेंट को पीछे हटाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। शुभारंभ कब हुआ था बच्चों इस योजना का? 15 अगस्त 2014 तथा शुभारंभ हुआ था इसका 28 अगस्त 2014 को। क्वेश्चन नंबर 17, माघ मेला खालिस्तान दिन लगता है, माघ मेला खालिस्तान दिन लगता है मतलब कब लगता है माघ मेला? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, माघ मेला कब लगता है? ऑप्शन नंबर होगा आपका ए मकर संक्रांति को, बी बसंत पंचमी को, सी आपका महाशिवरात्रि को या फिर डी आपका अक्षय तृतीया को। इनमें से आपको बताना है कि ये मेला कब आपका लगता है। देखो प्रमुख त्यौहार एवं मेले, ये भी टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर आप तो सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहे हो, भाई जो इम्पोर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो ऐसा है ज़्यादा तो मैं बोलता नहीं बच्चों, लगभग 80-90 ही टॉपिक बनते हैं जिनसे जीके के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अब ये देखिएगा आप इनको कैसे कवर करोगे और कितना जल्दी आप इनको कवर कर सकते हो, क्योंकि एक एक नंबर में जब जो बार बार बोल रहा हूँ ना, एक एक नंबर बच्चों 1 लाख स्टूडेंट को पीछे हटाएगा, इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसलिए आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक तो कवर करते हुए साथ के साथ चलना ही पड़ेगा, तभी ये ऐसा हो सकता है कि जितने भी आपके क्वेश्चन आए 30+ स्कोर तभी आप आराम से एग्जाम में कर सकते हो, अन्यथा बच्चों प्रॉब्लम होना क्या है निश्चित मानकर चलिएगा। क्लियर है जी। माघ मेला का आंसर बताइए आपके सामने, 10 सेकेंड का समय देता हूँ मैं आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कब लगता है बच्चों? मकर संक्रांति के दिन। क्लियर है जी। इसकी शुरुआत माघ महीने के मकर संक्रांति के दिन होते हैं। प्रयागराज में हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ लगता है बच्चों और प्रत्येक 12 वर्ष में महाकुंभ लगता है। ठीक है जी। ये कितनी जगह लगता है कुंभ का मेला? प्रयागराज, उत्तरकाशी, हरिद्वार इत्यादि स्थानों पर माघ मेला का भी आयोजन किया जाता है। अर्धकुंभ 6 वर्ष, महाकुंभ 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाराणसी में हुआ था। जन्म हुआ था कब बच्चों का? 1440 ईस्वी में वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी की गर्भ से हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 1510 में। कहाँ हुई थी मगध में। क्वेश्चन नंबर 19, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई थी, आपको बताना जो लखनऊ घराना था उसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी उस्ताद, किसके द्वारा रखी गई? उस्ताद बाक्सू खान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन सा रंग होता है दूसरे बच्चों? लाल और
नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक पर सब छीनी किस भाषा में लिखी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा में। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ष 2015 में स्वामी राम भद्राचार्य को खालिस्तान से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा किसके, भारत रत्न या आपका पद्मश्री या फिर आपका पद्म भूषण या फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है आपका पद्म विभूषण। प्रमुख पुरस्कार से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, ये तो आपका अति महत्वपूर्ण टॉपिक है पुरस्कार वाला। 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे जी देखने को, करंट अफेयर के अकॉर्डिंग या ओल्ड जीके के अकॉर्डिंग या स्टडी जीके के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कौन सा पद्म भूषण। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 23, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस राज्य कर को शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चुंगी। जीएसटी की स्थापना कब हुई थी बच्चों, मतलब लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया था। क्लियर है जी, जीएसटी को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था बच्चों? 101वीं संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्वेश्चन नंबर 25, नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसने किया था बच्चों? जॉर्जेस क्लाउड ने। क्वेश्चन नंबर 26, खालिस्तान 26 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऐसी छवि को क्या कहते हैं? अवतार, अवतार एक ऐसी छवि है। क्वेश्चन नंबर 28, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंद्रपुरी निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28, ब्यूनस एयर्स किस देश की राजधानी है? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना की। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा में। 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल में भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 30, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? इम्फाल किसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मणिपुर की है। मणिपुर तो भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। नागालैंड की राजधानी क्या है बच्चों? नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ठीक है जी, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला, अगरतला। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में निम्नलिखित में कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे दूर है? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो उड़ीसा की राजधानी है बच्चों, ठीक है, कर्क रेखा से सबसे दूर है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8, लिखने का नहीं, डायरेक्ट बोलूंगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 32, होर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 33, निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डी, इम्फाल, कोहिमा। क्वेश्चन नंबर 34, महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्षभ की। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का संविधान भारत के मान्य आदिवासियों की नियुक्ति का अधिकार खालिस्तान को देता है, किसे देता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को, आर्टिकल 76A के तहत। क्वेश्चन नंबर 36, खालिस्तान की राइस टैंक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था? 36 का आपका राइट आंसर होगा किसने? ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का मूल रूप संविधान खालिस्तान द्वारा हाथ से लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, प्रेम बिहारी नारायण राय यादव। क्वेश्चन नंबर 38, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिटोरिया में जा रहे थे। आज की क्लास प्यारे बच्चों यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।